गाइस, क्या शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका हेयर फॉल होता है, यानी कि बाल झड़ते हैं? अगर ऐसा है तो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका शायद सही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बिना तेल लगाए आप लोग शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपके बाल ड्राई होते हैं और उसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। इसीलिए शैम्पू इस्तेमाल करने से एक घंटा पहले आप चंपी जरूर करें, यानी कि अपने बालों में तेल जरूर लगाएं। इससे आपके बाल सॉफ्ट होंगे और मजबूत भी होंगे। गाइज, अगर आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बड़े ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर ये लाल धब्बा जरूर देखा होगा। पर मेरा सवाल ये है कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या? नहीं, ये कोई लाल चट्टान नहीं है, बल्कि ये 350 सालों तक, जी आप ठीक सुन रहे हैं, 350 सालों तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। और इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी धरती तक पूरी की पूरी समा सकती है। गाइज, ये ह्यूमंस की जानकारी के हिसाब से अब तक का सबसे लंबा एक्टिव रहने वाला तूफान है। अर्थ पर 1994 में हरिकेन जोन्स नामक एक तूफान आया था जो कि मात्र 31 दिनों तक ही एक्टिव था, जबकि ये तूफान 350 सालों से जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कार्तिक आर्यन ने अपनी नई कार लैम्बोर्गिनी उर्स को लेकर चर्चा में, और उसकी तीन वजह। सबसे पहली वजह है उस कार की कीमत। कार्तिक आर्यन ने लैम्बोर्गिनी उर्स के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं, और गाइस ये कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे महंगी कार परचेज है। दूसरी वजह है कि कार्तिक आर्यन को इस कार की डिलीवरी 3 महीने बाद मिलने वाली थी, जो कि कार्तिक आर्यन को मंजूर नहीं था, और सिर्फ इसी वजह से इटली से मुंबई तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्तिक आर्यन ने इस कार के लिए लगभग 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और तीसरी वजह है कार को खरीदने के बाद उनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पे कैप्शन। कार की डिलीवरी मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पे लिखा, ले ली पर शायद मैं महंगी चीजों के लिए नहीं बना हूं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमय जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती है, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है, और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस बरमूडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड हैं। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, और नॉर्मल फूड इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने की ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में सुना होगा। जब आपको इन चीजों में नुकसान हो जाए तो आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और वो आपको बदले में पैसा देती है। लेकिन क्या हो अगर कोई एलियन आपको नुकसान पहुंचा दे? क्या इसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपने कभी सुना है? शायद कभी नहीं सुना होगा। लेकिन यूएस के फ्लोरिडा में एक एजेंसी ऐसी है जो एलियन एबडक्शन पॉलिसी प्रोवाइड करती है, और वो भी मात्र $20 में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलियन आपको किडनैप करके ले जाए तो आपकी लाइफ इंश्योर्ड होगी। पहली शर्त यह है कि अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं तो आपका किडनैपिंग के बाद अर्थ पे होना जरूरी है। और दूसरी शर्त सुन के आप शायद हैरान रह जाएंगे, इसको क्लेम करने के लिए आपको जिस एलियन ने किडनैप किया है उसका सिग्नेचर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में कोई ये पॉलिसी बेच रहा होता तो लोग जरूर पूछते कि मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या। खैर, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।